सो गाइज वेलकम बैक टू नॉस्टैल्जिक स्टोरीज। आज के वीडियो को स्पॉन्सरशिप किए हैं केतकी दत्तर, सचिन राठौड़, सुष्मिता मंडल, बापादित्य मंडल। ऐसे ही हम आपको वादा किए थे कि हम अगले हफ्ते लेकर आएंगे एक और नई कहानी। तो पेश है आज आपके लिए सत्यजीत राय की नई कहानी प्रोफेसर शोंकु के कोर्वस। सबसे पहले बता दूं, सत्यजीत राय थे इंडिया के मोस्ट रिनोड डायरेक्टर। उनको इंडिया के 20th सेंचुरी के सबसे ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर से एक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने जीते थे फॉर हिज लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर। ये पैदा हुए थे कलकत्ता में 2 मई 1921 और इनकी मृत्यु हुई थी 23 अप्रैल 1992। और हमारे प्रिय लेखकों के लिए ये देखर गए थे बहुत से कैरेक्टर्स, उनमें से है प्रोफेसर शोंकु, फेलुदा और बहुत से आज भी सबके प्रिय है। आज उनकी ही एक कहानी हम सुनेंगे, द एडवेंचर्स ऑफ प्रोफेसर शोंकु कोर्वस। तो चलो आराम से फैल जाइए और कहानी को एंजॉय कीजिए। 15 अगस्त, पंछियों को लेकर खोज करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। बचपन में मेरे घर में भी एक तोता था, उसको मैंने बहुत से शब्द सिखाए थे। मुझे ये लगता था कि ये पंछी शब्द बोलना सीखते, बस उसको समझते नहीं है। जबकि एक दिन मेरी गलतफहमी भी दूर हो गई। तो हुआ कुछ ऐसा था, दोपहर को मैं घर लौट रहा था स्कूल से, मम्मी ने खाना भी लगा रखा था। मैं खाने बैठ ही रहा था कि अचानक वो तोता चिल्ला उठा, भूकंप भूकंप। उस दिन तो वैसे कुछ हुआ नहीं, लेकिन अगले ही दिन अखबार में आया कि सच में सिस्मोग्राफ के डिवाइस के अंदर भूकंप महसूस हुआ था। तो उसी दिन से पंछियों के लिए एक इंटरेस्ट पॉइंट मेरा रह ही गया था। लेकिन मेरे कामकाज, रिसर्च ऑन इन्वेंशंस को छोड़कर मैंने उसके तरफ नज़र दिया ही नहीं था। और उसके बाद की बात अगर किया जाए तो है मेरा प्यारा न्यूटन, मेरा बिल्ली। वैसे बोल दूँ, उसको पंछियाँ बिल्कुल पसंद नहीं, और न्यूटन को खुश ना रखकर काम करना मुझको अच्छा नहीं लगता। लेकिन इधर एक बात और आता है, न्यूटन का जैसे ही एज बढ़ रहा है वो इरिटेट कम होता है पंछियों को देखकर। इसीलिए मेरे लैब में अभी ये छोटे छोटे पंछी जैसे चिड़िया हो गए, या तो फिर कोई स्पैरो हो गया, कबूतर हो गए, इनका आना जाना अब धीरे धीरे चालू हो रहा है। न्यूटन भी देखता हूँ कुछ ज़्यादा बोल नहीं रहा है। तो वैसे ही मैं उनको हर रोज़ हर सुबह खाना देता हूँ मेरे खिड़की के बाहर ही। तो जैसे ही सुबह होती है भीड़ सी लग जाती है वहाँ, सब आके बैठ जाते हैं उधर। अभी कहाँ आकर मैं खाना दूँ, उसी के इंतज़ार में। विज्ञान में कहा जाता है कि इंसानों से ज़्यादा सेंस इन जानवरों में होता है, और मेरा ये विश्वास है कि दूसरे जानवरों से ज़्यादा पंछियों को कुछ ज़्यादा ही रहते हैं। चलो देख लेते हैं एक सोन चिड़िया का घर कैसा दिखता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका घर कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है, राइट? वैसे मेरा ये मानना है कि इंसान को अगर ये काम दिया जाए मुझे तो लगता है शायद से वो करेगा भी नहीं, और अगर वो कर भी लेता है तो महीने 3 या 4 तो लगने ही है। ऑस्ट्रेलिया में मैली फाउल नाम का एक पंछी है। इनकी खूबियाँ ये है कि ये दूसरों की तरह पेड़ पत्तों पे नहीं बल्कि ज़मीन में घर बनाते हैं। वैसे कुछ खास नहीं दिखता, एक बड़ा सा माउंटेन जैसे छोटे बच्चे लोग रेत में बनाते हैं, मालूम है ना? हाँ, थोड़ा वैसा ही दिखता है, लेकिन उसके अंदर जाने के लिए एक छोटा सा गुफा है। वो अंडे भी अंदर देती है और उनको गर्म भी नहीं रखते। लेकिन आप यही सोच रहे रहोगे ना कि अगर उसको गर्मी ना दिया जाए तो बच्चा निकलेगा कैसे? लेकिन ये भी सुनकर अजीब लगेगा कि जो गर्मी अंदर पैदा होती है वो इनबिल्ट है,
और हाँ, इसकी जिम्मेदार मैलीफॉल खुद है। हर वक्त 33 डिग्री सेल्सियस से ना एक सेल्सियस ऊपर और ना एक सेल्सियस नीचे रखते हैं वो, भले ही बाहर का मौसम ठंडा होने दो या गर्म। अजीब है ना। अब सुनो, ग्रीब नाम का एक पक्षी है। ये पक्षी अपने पंख खाते हैं और अपने बच्चों को भी खिलाते हैं, पर क्यों ये कोई नहीं जानता। और इधर ही खत्म नहीं होता, ये पंछी का और एक नया करतूत दिखाओ। कोई भी शत्रु या फिर प्रेडेटर इनके आजू बाजू आए तो ये अपने पंख फैलाकर अपने बॉडी से कोई अननोन सोर्स से ही हवा निकालकर स्पेसिफिक ग्राविटी लाके पानी के अंदर डूब जाते हैं। और इसके बाद आते हैं ये ईगल, फाल्कन। इनके शिकार करने का तरीका बहुत ही खास है, इसीलिए पंछियों के पीछे मेरा इंटरेस्ट थोड़ा और बढ़ ही गया था। सोच रहा था कि नया कोई रिसर्च, नया कोई इन्वेंशन इनके ही नाम कर दूं। सोच रहा था कि इनके साधारण बुद्धि को छोड़कर उसको भी पार करके नया क्या सिखाया जाए। सोच रहा था कि इंसान का बुद्धि, उसका ज्ञान, क्या एक पंछी के अंदर हम संचार कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा मशीन हम बना सकते हैं जिससे मेरा ये ख्वाब पूरा हो जाए? 20 अगस्त। मेरे पंछियों को लेकर पिछले बार का इंटरेस्ट मैंने मेरे इन्वेंशंस में लगा दिया। सोचा कि अभी एक मशीन ऐसी भी बना दिया जाए जिससे हर एक पंछियों के अंदर इंसानी बुद्धि को संचार कर सकते हैं, या फिर इंसान से ज़्यादा बुद्धिमान बना सकते हैं। और मैं हमेशा से सिंपल रहने की कोशिश करता हूँ, तो वैसे भी मेरा भी इन्वेंशन मैं सोच रहा हूँ सबसे सिंपल दिखे। सोच रहा हूँ कि जो मशीन मैं बनाऊँगा उसके दो हिस्से होंगे। पहला हिस्सा होगा एक पिंजरे जैसा, इसी पिंजरे के अंदर उस पंछी को हम रखेंगे और उसी पिंजरे के साथ कनेक्शन रहेगा दूसरे मशीन का, जो मेरे इन्वेंशन का दूसरा हिस्सा होगा। और तो और कि इसी मशीन के अंदर से मैं सोच रहा हूँ कि बुद्धि संचार हो। सुबह सुबह मैं पंछियों को खाने के लिए जो बाहर लाता हूँ खाना, सोच रहा हूँ उनमें से ही कोई एक को चुन लूँ। उनमें से कौन होगा इसके लिए मैंने बहुत दिन से पढ़ाई चालू रखा था मेरा, और ये मुझे कहना पड़ रहा है कि उनमें से एक पंछी ने मेरा दृष्टि आकर्षित किया है। वो कोई कबूतर नहीं है, ना कोई तोता है, बल्कि वो एक कौवा है। ये कौवा मेरे पहचान का हो चुका है। हर सुबह आता था खाने के लिए, और हाँ, जब तक याद है कि उसके नाक के बाजू में एक छोटा सा खरोच है। और इतना भी नहीं, इसके चाल चलन इसके प्रजाति से बहुत अलग है। अपने चोंच में पेंसिल रख के पेपर के ऊपर घिसना मैंने आज तक दूसरे किसी प्राणी में तो नहीं देखा, और कल इसने तो मुझको पागल ही कर रखा था। मैं बैठकर मेरे टेबल में मेरे अगले इन्वेंशंस के लिए सब डॉक्यूमेंट्स लिख रहा था, अचानक से एक खसखस आवाज के वजह से मैं पीछे घूमकर देखा, तो देखा कि उस कौवे ने एक आधा खुला हुआ माचिस के डब्बे में अपना चोंच घुसाकर एक माचिस निकाल के उसके बाजू में घिसने लगा, जैसे वो जलाना चाहता है उसको। लेकिन मजबूरी से मैंने उसको यह आवाज से भगा दिया। वो जाके खिड़की के ऊपर बैठा, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो मैं आज तक समझ नहीं पाया। वो खिड़की पे बैठकर एक अजीब ही आवाज निकालने लगा, जो दूसरे कौवे से बहुत ही अलग था। आवाज कुछ ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझको देख के हंस रहा है। तभी सोचा कि इतना चालाक है अगर, तो क्यों ना इसको ही मेरे टेस्ट के लिए रख लूं। उसके बाद देखा जाएगा कितना दौर जाता है ये। 27 सितंबर। आज मेरा इन्वेंशन पूरा हो गया।
मशीन में जैसा चाहता था वैसा ही बनाया। हाँ, इनर कुछ मॉडिफिकेशंस मुझे चेंज करने पड़े, जैसे अंदर के हाइड्रोलिक सिस्टम्स और कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए अंदर जो चिपसेट था वो भी बदलना पड़ा। खैर वो छोड़ो। सुबह सुबह जब वो कौवा मेरे घर पर आया, मैंने उसको अच्छे से खिलाया। फिर खाने के बाद मैं मेरा मशीन ठीक कर रहा था, तब तक वो मेरे खिड़की से दूसरी खिड़की तक उड़ उड़ के खेल रहा था। जब मेरा मशीन कंप्लीट हुआ, मैंने जैसे ही वो पिंजरा खोला, वो मस्त उड़ उड़ कर आकर फुदक के अंदर घुस गया। इससे जरूर पता चलता है कि उस कौवे को सीखने की बहुत इच्छा थी। सबसे पहले उसको तो भाषा सिखाना होगा, तो मैंने एक ही बटन से हिंदी देवनागरी मैन्युस्क्रिप्ट लोड किया। उससे मुझे बस बटन ही दबाना पड़ रहा है, बाकी सब खुद ब खुद हो रहा है। एक चीज मेरे नजर में आया, जब भी मैं उस बटन को दबा रहा हूँ, वो कौवा धीरे धीरे अपने आंखें बंद कर ले रहा था, जैसे वो अंदर ही अंदर कुछ सीख रहा है। और उसी वक्त जैसे वो मर चुका है ऐसा लगता है, क्योंकि वो एक पल भी एक इंच भी हिलता नहीं है। एक क्रो कितना चंचल होता है वो हम सब जानते हैं, लेकिन ये ऐसे शांत बैठेगा ये देखकर मैं थोड़ा डर सा ही गया था, कहीं मर तो नहीं गया। नवंबर में चील के राजधानी सैन डियागो शहर में हर पंछियों को लेकर एक बड़ा सा एसोसिएशन का मीटिंग होता है। उसी शहर में रहने वाला मेरा दोस्त रियूफेशन ग्रैंडफेल को मैंने एक चिट्ठी लिखा था, अगर मेरा ये दोस्त इंसानी ज्ञान को प्राप्त कर ले तो उस मीटिंग में डेमोंस्ट्रेशन के साथ मैं एक छोटा सा स्पीच दे सकता हूँ। 14 अक्टूबर कोर्वस कौवे का लैटिन नाम है और मेरे स्टूडेंट को मैं उसी नाम से बुलाता हूँ। नाम से पुकारने में वो पहले मेरे तरफ सिर्फ देखता था, आजकल तो रिस्पॉन्ड देने की तरफ से वो उड़कर आता है मेरे पास। और ये तो बात की बात हो गई, आजकल तो अगर उसके नाम से पुकारूं तो वो जैसे पलटा जवाब देता है मुझको, जैसे वो बोलता है हाँ मैं आ रहा हूँ। मेरे जिंदगी में पहली बार किसी कौवे को का ना बोलते हुए क्या सुनाई दे रहा है, लेकिन उसके आवाज में अगर कोई परिवर्तन आए ना ना ये मैं नहीं आशा कर रहा हूँ। मतलब ये हो रहा है कि कोर्वस बात नहीं कर सकता, और ये मैं विश्वास करता हूँ कि उसकी बुद्धि उसके आवाज से नहीं उसके काम से पता चलेगा। कोर्वस अभी अंग्रेजी सीख रहा है, दूसरे किसी एसोसिएशन में मीटिंग के पहले ये काम आएगा, और उसके ट्रेनिंग का वक्त है सुबह 8 से 9 तक, और बाकी वक्त सुबह में वो मेरे घर के आजू बाजू ही उड़ता फिरता रहता है, और शाम हुआ कि नहीं तो मेरे घर के पश्चिम की ओर जो आम का पेड़ है उधर चले जाता है। इतना भी नहीं, न्यूटन जैसे कॉर्वस को अपना लिया है। वैसे आज जो कुछ भी हुआ उससे मुझे नहीं लगता है न्यूटन उसको दूर रखेगा। आज जैसे कोर्वस ने उसका जान बचाया, वैसे दोनों के बीच में दोस्ती बहुत गहरी हो चुकी है। तो हुआ कुछ ऐसा था, आज दोपहर को मैं जब काम कर रहा था, न्यूटन सोफे के बाजू में चुपके से सो रहा था, कॉर्वस कहीं दूसरे जगह गया था और मैं बैठ के नोट्स लिख रहा था, और ऐसे ही अचानक कोर्वस आया, खिड़की से अंदर आकर कुछ तो था उसके चोंच में। फिर बाद में देखा तो उधर एक मछली थी छोटी सी, वो न्यूटन के सामने फेंक दी और फिर वापस खिड़की में जाकर आजू बाजू देखने लग गई। मैंने देखा न्यूटन बहुत ही खुश था। आज और एक न्यूज़, ग्रैंडफेल ने मेरे चिट्ठी का जवाब दिया है। उसने लिखा है कि एसोसिएशन के मीटिंग में मुझे इन्वाइट करने का वो पूरी कोशिश कर रहा है, और मुझे कहा है कि सही वक्त में कोर्वस को लेकर सैंटियागो पहुंच जाना। 20 अक्टूबर
दो हफ्ते में मानो प्रोग्रेस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। कोर्वस अपने चोंच में पेंसिल लेकर अंग्रेजी अक्षर लिखना सीख रहा है। वो लिख भी पा रहा है। 1, 2, 3, 4 ये नंबर्स उसको जैसे याद से हो गए हैं। कुछ नहीं, कागज़ को टेबल के ऊपर फेंक के रख देना रहता है और कोर्वस उसके ऊपर ही बैठ के लिखना शुरू कर देता है। और मेरे लिए सबसे खुशी की बात यह है कि पहली बार कोर्वस ने अपना नाम अंग्रेजी में उस पेपर में लिखा। CORVUS, हाँ सब सही है। और इतना ही नहीं, साधारण प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सब कर पा रहा है। अगर पूछा जाए कि इंग्लैंड की राजधानी क्या है तो उसका जवाब भी लिख पा रहा है। और मज़े की बात तो ये है कि वो मेरा सरनेम तक लिख पा रहा है। 3 महीने पहले उसको डेट, मंथ्स और ईयर्स के नाम सिखा दिए थे। उससे जब मैं पूछता हूँ कि आज कौन सा दिन है तो आज लिखा वो FRIDAY, हाँ फ्राइडे। कोर्वस के खाने के मामले में भी उसने अपना बुद्धि नज़रअंदाज नहीं किया। आज उसको खाने में मैंने 2 प्लेट दिए थे, पहले में सूखा रोटी और टोस्ट और दूसरे में पपाया का जेली और थोड़ा सा लिक्विड सब्सटेंस। पहले प्लेट से रोटी चबाते हुए ही उसने हर वक्त दूसरे प्लेट से थोड़ा सा जेली लगा ले रहा था। 22 अक्टूबर, कोर्वस खुद को दूसरे कौवे से दूर रखना चाहता है। आज उसका साफ किनारा हो चुका है। आज दोपहर को बहुत बिजली कड़क रही थी। मैंने देखा कि मेरे बंगले के पीछे जो पेड़ है उधर बहुत सारे कौवे एक साथ आके बहुत चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं। मैं कुछ देर चुप बैठा रहा। जब ये बिजली कड़कना रुक चुका था, मैं जाके देखा मेरा नौकर उधर है। वो मेरे पास भागकर आके बोला, अजी बाबू, उधर पेड़ के नीचे एक कौवा मरा गिरा है, उसी लिए इतने चिल्ला रहे हैं वो लोग। समझ में मुझको ये आया था कि बिजली कड़कने के वजह से ही एक कौवे की मौत हुई होगी। लेकिन थोड़ा अजीब तब लगा जब कोर्वस ने बाहर निकलने का कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। वो एक ही तरीके से अपने चोंच में पेंसिल रखकर एक समान प्राइम नंबर्स लिखता फिर रहा था। 2, 3, 4, 5, 7। 7 नवंबर, कोर्वस को अभी कोई भी मीटिंग में ले जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। पिछले बार के एक मीटिंग में थोड़ी सी परेशानी हो चुकी थी क्योंकि उनमें से एक जन ने मानने से इनकार कर दिया था। 2 बात सुनाने के बाद जब कोर्वस ने आके अपनी बुद्धि की परिचय दी तब जाके वो चुप बैठा। वैसे मेरे इन्वेंशन का नाम था ऑर्निथॉन। अब इस इन्वेंशन का और कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने जिस मास्टरपीस को बनाया है वो उस मशीन से काफ़ी आगे निकल चुका है। वैसे एक और मज़ेदार चीज़ हो चुकी थी मेरे घर पे। जिस दिन मैं निकलने वाला था फ्लाइट के लिए, उस दिन अचानक से मुझे मेरा पासपोर्ट नहीं मिल रहा था। 1 घंटे तक ढूंढने के बाद पता चला कि फ़्लाइट के लिए सिर्फ 3 घंटे और बाकी है। मैं परेशान हो चुका था। कोर्वस कहाँ से उड़कर आकर एक टिन के बक्से के ऊपर बार बार अपना चोंच लगा रहा था। मैं जाकर जब वो बक्सा खोला तो देखा अंदर मेरा पासपोर्ट है। उस दिन कोर्वस के वजह से मैं फ्लाइट पकड़ पाया, वरना सच बोलूं तो मुझको ये याद ही नहीं था। खैर, सैंटियागो पहुंचने के बाद जब मैंने अपने दोस्त से मिला, उसको मैंने मेरे प्रिय कोर्वस के बारे में सब बता दिया। वो सुनकर बहुत ही खुश हुआ और हैरानी भी, क्योंकि आज तक उस एसोसिएशन में ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि एक पंछी आकर एक इंसान से ज़्यादा बुद्धि रखेगा। लेकिन फिर भी वो हालत तो टल चुकी थी। फ्लाइट से उतरने के बाद मैं और मेरा दोस्त जब
बात कर रहे थे तब मैंने देखा था कि कोर्वस हमारी बात जैसे बहुत ही ध्यान से सुन रहा है, ना हिल रहा है ना डुल रहा है, बस अपना सिर कभी ऊपर तो कभी नीचे, आजू बाजू भी नहीं, और सिर्फ ध्यान से कभी मुझको वरना कभी रूफस को देख रहा था। उसके बाद की बात बताता हूँ। खबर के कागज में जैसे कोर्वस के नाम पे आग से लग चुकी थी, जहाँ देखो वहाँ कोर्वस है, और मुझे ये सुनकर बहुत ही खुश हो रहा था। कोर्वस जब न्यूज़पेपर में उसका आर्टिकल देखा तो वो अपने चोंच को बार बार ऊपर तो कभी बार बार नीचे कर रहा था और टोक रहा था, कभी उड़कर आकर इधर तो कभी उड़ के जाकर उधर, कभी खिड़की के रुककर जोर जोर से चिल्ला रहा था, सुनाई दे रहा था जैसे वो हंस रहा है। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हो रही थी और मज़ा भी आ रहा था, और इतना पता चल रहा था कि कोर्वस भी अंदर अंदर ही बहुत खुश हुआ है। होटल में लौट आने के बाद शाम को मैं और रूफस दोनों ने तय किया कि हम घूमने चलेंगे। सैंटियागो घूमने के बाद हम काफ़ी थक चुके थे। मैंने मेरे दोस्त से पूछा, रूफस एक बात सुनो, आज शाम को हम घूमने गए थे, कोलंबस कुछ तो बोल रहा था। अरे हाँ, आपको तो बताना मैं भूल ही गया था, आज हमारे खिदमत में एक चीली जादूगर जिसका नाम आर्गस है, वो अपना शो दिखाने वाले हैं। वैसे उसका असली नाम बहुत ही लंबा है, उसीलिए उसने आर्गस रखा है। उसका असली नाम है डोमिंगो बार्टलेमे सारमिएंटो, जो अपने मैजिक में सिर्फ पंछियों का इस्तेमाल करता है। आज हमें वो मैजिक दिखाने वाला है रात को, आप चलोगे ना? हाँ क्यों नहीं, आज चलते हैं। रात को मैं गया था, हॉल में सब मौजूद थे। आर्गस बहुत ही अजीब दिखने वाला बंदा था, सर पे टोपी, बदन में एक पंजाबी लगाकर, मूछें बड़े बड़े थे, और वो मैजिक जो दिखा रहा था उसका तो मैं कोई शब्द ही नहीं बोल सकता। मैजिक में वो पंछियों का इस्तेमाल तो कर रहा था, लेकिन जिस हद से कर रहा था वो काफ़ी हैरानी सी थी। वो एक चिट्ठी जलाकर उसमें से कभी कबूतर निकाल रहा है, तो कभी अपने टोपी के अंदर से दूसरा कबूतर घुसा के अपने जेब से और एक निकाल रहा है। छोड़ो, हम जब शो देखकर बाहर निकल आए तब मैंने हंसकर ही रूफस से कहा, रूफस आर्गस ने जैसे हमको खेल दिखाया दूसरे पंछियों से, क्यों नहीं उसको जाकर हम भी कोर्वस का खेल दिखा दे। मेरे हिसाब से थोड़ा सा सावधानी परखो, मुझे वो बंदा ठीक नहीं लगता। क्यों? नहीं मतलब नहीं, जाने दो, हम चलते हैं ना अपने होटल में, जाके आराम करते हैं, चलो। रात में डिनर और फिर बहुत ही प्यार से बनाया हुआ एक चिल्ड कॉफी पीकर मैं बैठा था। फिर रूफस के साथ मैं काफी देर तक बाहर के गार्डन में टहलने गया था। जब रात को थककर मैं घर लौटा, लाइट ऑफ करके सोने ही वाला था कि अचानक से मेरा लैंडलाइन बज उठा। मैं थोड़े सा परेशान होकर ही रिसीवर उठाकर पूछा, क्या है? सर, आपसे कोई मिलना चाहता है। कौन? मैजिशियन आर्गस। हाँ यही है, ये आपसे मिलना चाहते हैं, कह रहे हैं कि अभी आप अगर उनके रूम में आए तो मतलब वो बात कर सकते हैं ठीक से। क्या मुसीबत है, ठीक है उनको कह दो मैं आ रहा हूँ। खैर उसके बाद मैं जब उनके रूम में गया तो स्टेज में लगा था कि जैसे वो 6 फुट के हैं, असल में जाके देख रहा हूँ कि वो तो 6.5 फुट से भी ज़्यादा बड़े होंगे। जब वो झुककर मुझे नमस्ते कहे तब भी वो मुझसे 6 इंच लंबे लग रहे थे। वो स्टेज का कपड़ा निकाल कर अब साधारण सूट पहन कर आए हैं, पर इधर भी कह दूं उनके सूट का रंग भी काला है। फिर आर्गस जब चेयर में बैठे तब उनके मैजिक का तारीफ करने से मुझे कोई रोक नहीं पा रहा था। मैजिक की तारीफ करते हुए मैंने बोला,
अरे आर्गस नाम भी तो शायद से पुराने ग्रीक भाषा से लिया गया है ना। हाँ। वैसे ये ग्रीक भाषा में आर्गस किसी चोर का नाम था ना। हाँ, जब तक मुझे याद आ रहा है आर्गस एक चोर था जिसको बाद में पनिशमेंट दिया गया था भगवान से ही, लेकिन एक मैजिशियन के लिए ये नाम परफेक्ट है। वो मुस्कुरा कर कहे, इसी आदमी से पंछियों का भी रिश्ता काफी पुराना है ना। मैंने कहा हाँ। ग्रीक महारानी हेरा आर्गस के आंखों को निकालकर मोर के पूंछ में बैठा दिए थे ना। कहा जाता है कि उसी वक्त से मोर के पूंछ में वैसे गोल निशान बने हैं, लेकिन मुझे उतावला हो रहा है आपके आंखों को देखकर। कितना पावर है आपके चश्मे का? -20, लेकिन उसमें कुछ नहीं जाता है मुझको। मैं सब देख सकता हूँ, और कहूँ तो मेरे पंछियों को भी चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती है। अपने ही जोक में खुद ही हंस बैठे आर्गस। लेकिन उसके बाद वो गंभीर हो गए थे। वो मेरे पास आके बोले, माफ करना, आपके मीटिंग मुझे सुनने में दिक्कत आई है। मैं उधर सही वक्त में मौजूद नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी आपसे एक बात पूछता हूँ। मैं कोई साइंटिस्ट तो हूँ नहीं, लेकिन खुद के पंछियों को सिखाता जरूर हूँ। बहुत सख्ती से समझ पा रहा हूँ कि आप बहुत ही थके हुए हो, लेकिन फिर भी आपसे एक निवेदन है। अगर आप अपना कोर्वस को एक बार पिंजरे के बाहर ला दे, सिर्फ एक बार के लिए, अगर उसकी बुद्धि की झलक दिख जाए तो समझ रहे हो आप। लेकिन सर जी, सिर्फ मैं ही थका हुआ नहीं हूं, मेरा दोस्त भी थका हुआ है। मतलब ठीक है, लेकिन क्या करूं, उनका बात मैं टाल नहीं सकता था, तो मैं कॉर्वस को लेकर आया। उसका पिंजरा खोलते ही वो अंदर से बाहर निकल कर आया और फिर मेरे बेड के बाजू के टेबल लैंप को एक झटके में बंद कर दिया। मेरा रूम अभी अंधेरे में है। मेरी खिड़की के ऑपोजिट साइड में जो मेट्रोपोलियन होटल है उसके नियॉन लाइट बल्ब से एक बार घर नीला तो एक बार घर पिंक हो रहा है। शर्म की बात है, मगर कॉर्वस 2-3 बार अपना पंख झपटा के अपने पिंजरे में लौट गया और फिर अपने ही चोंच से खिड़की बंद कर दिया। आर्गस के चेहरे के ऊपर नियॉन लाइट एक बार जल रहा है और एक बार बुझ रहा है। उसके चश्मे के पीछे के आंखों जैसे ही लाइट जल रही है तो मानो जैसे सांप की तरह दिख रहा है। उसके चेहरे में एक सेकंड के लिए जैसे हताश, हैरान और चमत्कार कर देने वाली बहुत सी भाव एक साथ आ गए थे, जो कॉर्वस ने सिर्फ एक लाइट का बटन दबाकर ही व्यक्त कर दिया था। मैंने देखा कि आर्गस के चेहरे में एक छोटी सी हंसी थी। वो फुसफुसाकर कहा, मर्फुकस, यानी जिसका अर्थ होता है चमत्कार। वो जैसे ताली मारने वाला है ऐसा भाव करके अपने दोनों हाथों को अपने मुंह के सामने लाया। मैंने लाइट में देखा कि उसकी उंगलियों में जो नेल्स थे वो काफ़ी ही बड़े थे और काफ़ी चमकीले भी थे। लेकिन फिर भी हम काफ़ी देर तक चुप बैठे, जब तक आर्गस ने एक ऐसी बात कही कि मेरा
दिमाग ही हिल गया। उसने कहा, I want that crow। और ये सुनकर मैं काफी गुस्सा हो गया था, लेकिन वो चुप बैठा रहा, जिसके देखकर मैंने सोचा शायद से ये और भी कुछ कहना चाहता है, चलो सुन ही लेते हैं इसकी बात। वो इतने देर तक बाहर खिड़की की तरफ देख रहा था, जिसके बाद उसने मेरी तरफ नजर घुमाया और उसकी आवाज मानो बदल सी गई थी। इतने देर तक मुझे ये समझ में आया था कि ये इतने धीरे धीरे क्यों बात करता है, क्योंकि असलियत में इसकी आवाज काफी डरावनी है। वो अब अपनी उंगलियों को उस पिंजरे की तरफ घुमाते हुए कहा, मेरा नाम आर्गस है और मैं इस दुनिया का सबसे महान जादूगर हूँ। इस दुनिया में ऐसे जादूगर कम है जो मुझे नहीं पहचानते, और जहां तक जानता हूँ झील में तो छोटे बच्चे बड़े बूढ़े सब मुझे जानते हैं। अगले ही महीने मैं दुनिया की सैर करने जा रहा हूँ और मुझे कॉर्वस चाहिए। माफ कीजिए, और मैं चाहता हूँ कॉर्वस मेरे साथ रहे। इस दुनिया में ऐसी कम जगह है जहाँ मैं नहीं जाना चाहता। पेरिस, लंदन, फ्रांस, रशिया, वीनिस, वियतनाम, ऑस्ट्रिया, और कहाँ जाना है बताओ। मैं चाहता हूँ कि कॉर्वस मेरे साथ रहे, और ये मेरी आखिरी बात है। और I want that crow, that Indian crow। आप समझ रहे हो ना प्रोफेसर, मुझको वो क्रो चाहिए, मुझको कॉर्वस चाहिए, मुझको कॉर्वस चाहिए, मुझको कॉर्वस चाहिए। वैसे मेरी जगह पे अगर कोई और रहता तो अब तक इनका काम हो गया रहता, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं हिप्नोटाइज नहीं हो सकता, और इसके लिए मैंने काफी सालों से ट्रेनिंग ली थी। मैं चुपचाप खड़ा रहा जब तक वो कर रहे थे, जब तक वो अपने मेडल मेरे सामने घुमा रहे थे। मुझे सब समझ में आ रहा था, लेकिन फिर भी मैं सीधा खड़ा रहा। मैंने फिर आर्गस को रोक के कहा, जी आप मुझे माफ कीजिए, आपका ये अनुरोध मैं रख नहीं सकता, आप अभी जा सकते हैं। अच्छे से सोच के देख लो प्रोफेसर, कॉर्वस तो मेरे हाथ आने ही वाला है, आप मुझको नहीं रोक सकते। और आपको कह दूं, ना शब्द मुझे पसंद नहीं। देखिए सर, कॉर्वस सिर्फ मेरा स्टूडेंट नहीं है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरे बेटे की तरह है। प्रोफेसर, क्या आप ये जानते हो कि मैं एक करोड़पति हूँ? शहर के बाहर एक 50 कमरे वाला महल पैलेस मेरे नाम पे है। ये जानते हो कि मेरे उस महल के अंदर 36 लोग काम करते हैं, 6 गाड़ियां है मेरे, उसमें से एक रोल्स रॉयस। आप ये जानते हो, और पैसे की कीमत मैं नहीं रखता। आप तो जानते ही होंगे कितने शोज हुए हैं मेरे पूरे दुनिया में। लेकिन माफ करना सर, मैंने आपका नाम चील में आकर ही सुना था। बदतमीज हो रहे हो तुम प्रोफेसर, बहुत बदतमीज हो रहे हो। इस महान जादूगर के लिए सब मेरे पास आते हैं, सब मुझसे मांगते हैं कि हमें भी जादू सिखा दो। सब नहीं सीख पाते ये चीज, समझे तुम? ये सिर्फ उनको सिखाया जाता है जिसके लिए वो काबिल हो। और कॉर्वस के लिए मैं तुमको तुम्हारे पैसों में 15,000 देने के लिए तैयार हूँ। Just
for that sake of an Indian crow. अब बताओ प्रोफेसर, क्या तुम ये मानते हो? क्या तुमको ये डील स्वीकार है? You Indians are emotional fools. देखिए प्रोफेसर, पैसे मेरे लिए बहुत बड़े रकम नहीं होते हैं। मेरे लिए सबसे बड़ा रकम मेरा कोर्वस है। फिर भी आर्गस ने एक आखिरी कोशिश की। वैसे प्रोफेसर, एक बात सुनिए, आप तो भारतीय हैं, आप कभी भूत प्रेत में विश्वास करते हो? सोच कर देखो प्रोफेसर, आर्गस, कोर्वस, उसका नाम मेरे नाम से ही जुड़ा है। क्या ये तुम समझ पा रहे हो प्रोफेसर? बोलो प्रोफेसर, समझ पा रहे हो? देखिए आप जा सकते हो, आप अपने घर, गाड़ी, पैसा, जायदाद लेकर जाइए, कोर्वस मेरे साथ ही रहेगा, समझे आप? आप बताइए अभी, आप सीधे तरीके से निकलेंगे या फिर टेढ़ा करके निकालो आपको घर से? फिर भी आर्गस ने कुछ कहना चाहा और मैं तब भी दरवाजा खोलकर गुड नाइट बोलकर उनको बाहर निकाल दिया। देखा कि आर्गस का मुंह गुस्से से लाल पीला हो रहा था, लेकिन मुझे मेरा कोर्वस प्यारा है, उसकी शिक्षा अभी तक पूरा नहीं हुई है, वो दुनिया में अभी जस्ट सीखने उतरा है, अभी उसको बहुत कुछ सीखना है। चलो उसके बाद का दिन का बात बताता हूँ। जापानी एक आदमी था जिसका नाम था तोमासाका मोरिमोतो। फिर इनके बातों सुनने के बाद मैं काफी थक चुका था। जब उनकी बातें पूरी हुई और सब ताली बजाने ही वाले थे, तब कोर्वस अचानक से जहां मैं हाथ रखा था वहां जोर जोर से अपना चोंच टोकने लगा। इस हरकत से हॉल में बैठे सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। मैं भी अपना हंसी रोक नहीं पाया था, लेकिन इस चीज के लिए मैं एकदम से तैयार नहीं था। चलो जब मीटिंग खत्म हो गया तब मैं घर लौट आया। कोर्वस को घर पे रखते हुए मैंने कहा, कोर्वस इधर रहो, मैं खाना खाकर आता हूँ, वैसे भी आज एसोसिएशन के कुछ लोगों के साथ मेरी मीटिंग है, तुम इधर रहो, मैं जल्दी आ जाऊंगा, और ये कहकर मैं निकल गया। लंच खत्म करने के बाद जब मैं ऊपर आया तब 2:30 बज चुका था। मैं चाबी निकाल कर मेरा दरवाजा खोलने जा रहा था, लेकिन रुक गया, क्योंकि मेरे दरवाजे में किसी ने जोर का लात मारा हो ऐसे निशान थे। और इतना ही नहीं, दरवाजा खुला था। मैं दौड़कर अंदर गया और जाके देखता हूँ, हे भगवान, सर्वनाश हो गया, कोर्वस नहीं है, कोर्वस का पिंजरा कोई लेकर गया है। जमीन में देखा कि थोड़ा सा खून के निशान भी है। समझ में कमी नहीं रही कि कौन ले जा सकता है कोर्वस को। मैं दौड़कर रूफस के घर गया। रूफस अंदर ही बैठा था। मैंने उसको एक बातों में सब समझा कर कहा, जल्दी चलो अब भी निकलना पड़ेगा। फर्स्ट फ्लोर के रिसेप्शन में जाकर जब हमने मजीशियन के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, मजीशियन तो आधा घंटा हुए हैं निकल चुके हैं। उसके बाद मैंने जब पूछा कि उसको चाबी कैसे मिला था, उन्होंने बोला, मुझको तो नहीं पता चला, आप जाके कहीं और से पूछ लीजिए। मैं दौड़ के गया और जाकर देखा कि उधर हाउस बॉय बेहोश गिरा हुआ है। समझ में कमी नहीं रही थी कि आर्गस ने इसको बेहोश कर दिया रहेगा अपने हिप्नोटिज्म से, और फिर चाबी लेकर गया, लेकिन देखा कि चाबी गलत है, तब पैर से ही दरवाजा तोड़ के अंदर गया रहेगा। मैं जल्दी रूफस को लेकर उसके पुराने शहर के बाहर के घर तक गया। वहां जाकर जब मैंने मेड से पूछा कि आर्गस कहाँ है, उन्होंने कहा, नहीं तो आर्गस आज दोपहर यहाँ आए ही नहीं थे,
मैं मेरे साथ रूफस और दो पुलिस कांस्टेबल को लेकर निकला था। हम दोनों बहुत परेशान हो चुके थे क्योंकि कोर्वस कहीं नहीं दिख रहा। हम काफी थक चुके थे। जब हाईवे में आए तो और एक मुश्किल, दो रास्ते निकल चुके थे। एक जा रहा था लॉस एंजेलिस की तरफ और दूसरा जा रहा था वैल्पराइज़ो की तरफ। बाजू में ही एक शॉप था। मैंने पुलिस को बोला, आप थोड़ा सा उधर रुकिए ना, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। मैं पानी पीने उतरा। पानी जब खरीदा तब शॉप ओनर से मैंने पूछ ही लिया, आपने इधर से कोई फ्योर्ड गाड़ी जाते हुए देखे क्या? फ्योर्ड गाड़ी? हाँ, मैजिशियन आर्केस का फ्योर्ड गाड़ी, वो तो वेल्ट नोगो के गए है। मैं तब एक सेकंड भी और नहीं रुक रहा। मैंने पुलिस से कहा, अब भी निकलना पड़ेगा और टाइम नहीं है, रास्ते के बीच में उसको हम अभी भी पकड़ सकते हैं। पुलिस ने अपने गाड़ी को फुल स्पीड में लेकर गए। हम गाड़ी दौड़ा रहे थे। काफी देर तक गाड़ी यूं ही चलने की वजह से हम एक पॉइंट में आकर पुलिस ने कहा, सामने कुछ दिख रहा है, अब भी देखिए। खिड़की से बाहर निकल कर देखा, अरे ये तो वही फ्योर्ड गाड़ी है, लेकिन वो क्या हो रहा है? दूर से नजर आ रहा था कि आर्गस किसी को शूट करने का कोशिश कर रहा है। हम गाड़ी को जैसे उसके पास लेकर गए, वो जैसे हमको पहचाना ही नहीं, वो इधर उधर शूट ही कर रहा है। मैंने जब पास से ध्यान से उसको देखा तब पता चला कि उसका चश्मा नहीं है, वो रिवॉल्वर से एक उंगली उड़ा देता है अपना। ज्यादा नहीं, उंगली के बाजू से ही खिसक के निकला है गोली। पुलिस जल्द ही उसको अरेस्ट कर लेते हैं। मैं परेशानी से देख रहा हूँ, कहाँ है कोर्वस, कहाँ है वो? फिर अचानक से आवाज आया उसका, हमारे नजरे ऊपर की तरफ देखे तब पता चला कि कोर्वस ने किसी तरह अपने पिंजरे से निकल आया और फिर इनका स्पेक्टाकल्स निकाल कर ऊपर बैठ गया, जिसके वजह से वो रिवॉल्वर सही तरीके से नहीं चला पा रहे थे। मैं बहुत ही शांति अनुभव कर रहा था। कोर्वस को खुश देखकर मैं अपना खुशी रोक नहीं पाया, लेकिन इसको पहले पुलिस में देना चाहिए। मैं पुलिस में उसको देकर रूफस के साथ वापस लौट आया और साथ में कोर्वस भी। तो गाइस, आप सुन रहे थे प्रोफेसर शोंकू का कहानी कोर्वस। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे अगली कहानी आपको नोटिफिकेशन से पता चल जाएगा। मिलेंगे अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ, तब तक स्टे होम स्टे सेफ।